नमस्कार दर्शक बंधु, मुअनन्या आपण समस्तंकु अनेक अनेक स्वागत जणौछि आपणंकर अति प्रिय कार्यक्रम लव विथ आस्ट्रोलॉजी को। अनेक गुडिए टॉपिक संपर्क रे आमे आलोचना करथौ एवं आपण माने मध्ये बहुळ मात्रा रे आमुकु भल पाइबा देथांदि। एवं आजि सबुथर परे आम सहित अछन्दि आम समस्तंकर अति प्रिय आस्ट्रोलॉजर डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र सर। नमस्कार। नमस्कार। आज रे एपिसोड रे आपणकु अनेक अनेक स्वागत जणौछि। धन्यवाद। डे टू डे लाइफ रे सर आमे देखिबा को पाई थांदी जेते बले झियोटिए बाहाय के सासु घर को आसी थाए तार स्वामी को सहित बहुत भलो संपर्क थाए, बहुत भलो मेंटालिटी थाओ, तांको भितरे भलो बॉन्डिंग भी थाए। किंतु बले बले एमती देखाई थाए जे हस्बैंड खाली भलो हले भलो हबोनी ना, सासु घर फैमिली सहित तार भलो बॉन्डिंग हेई पारेनी। सासु ससुर ननंद दियोर एमाने सब बले तांको अगेंस्ट रे थांदी, इवन तांकर एवं तांको हस्बैंड को मध्ये रे फाटो सृष्टि करबा को मध्ये चेष्टा करंती। स्पेशली एतिमै को ग्रह दायी है था एवं कौन पाई एभली सिचुएशन देखा दे था। निश्चय कथार अच्छे संसार भितर घर करथिले पत्थर पड़िले सही। आज्ञा। ये सांसारिक जीवन रे पारिवारिक जीवन रे अनेक प्रतिकूल परिस्थिति अच्छी, अनुकूल परिस्थिति रही, सुख रही, दुख रही, सम्मान रही, प्रतिष्ठा रही, निंदा अपवाद रही, सबकिछि को नहीं मनीष संघर्ष कर आगक बढ़िवार प्रयास करे, चेष्टा करे। किंतु बेले बेले से तार निज लोकों द्वारा हारी जाए, बेले बेले निज लोकों द्वारा से क्षताक्त हुए, मानसिक स्तर रे आघात पाए, जोटा कि बहुत कष्ट दिए। जेतेबेले गोटे झियोटी विवाह करे सेतेबेले अनेक स्वप्न नहीं से विवाह करि थाए। आजिकालीर पुओ माने मध्ये विवाह कला बेले अनेक समय अनेक स्वप्न देखि थांती। आज्ञा। आज्ञा। तेणु स्त्री को नहीं स्वप्न देखि थांती, स्त्रीर परिवार को नहीं मध्ये स्वप्न देखि थांती जे आम स्वामी स्त्री भितर यदि किछि कळह हला ताले सासु ससुर हुए तो ताकू सॉल्व करदे। तेणु झीओटे से आशा करे जे स्वामी स्त्री भितर कळ हेले मोर सासु ननंद दियोर परिवार लोक आमको सपोर्ट करिवे, आम भितर गोटे कंप्रोमाइज करिवे। आज्ञा। किंतु अनेक समय तार ठीक विपरीत देखा दउची, झीओटे आशा करिथाय जे मु 25 वर्ष 37 वर्ष 30 वर्ष काल गोटे घरे चलुथुली, गोटे माँ को हरई आउ एक माँ को पाइली, माँ को छाड़ी आसिली हरिकी आसिली, आउ गोटे शाशु रूप में माँ को पाइली, भाई रूप से दियोर बाड़ेश्वर को पाइली, भौणी रूप से जा को पाइली एवं पितृ रूप से शशुर को पाइली। एम निश्चय मोर जत्न ने मो प्रति भल पाइबा रहिबो, मो प्रति स्नेह रहिबो एवं मु मध्ये ताकु सेतिक भल पाइबा देबी। आम फैमिली भलिया हम चलेबो, फैमिली भलिया पारिवारिक जीवन रे मु जेमती खुशी रे रहिया कथा सेमती रहिबे, एभली स्वप्न देखिथाय। किंतु ताहा व्यतिक्रम होइथाय जन्म जातक रे ग्रहंकर अवस्थिति सेभली नथिले। जेभली कहा जाय जे लग्नर सप्तम भाव बा सेवेंथ हाउस होउछि विवाहर स्थान, सेवेन्थ लॉर्ड होउछि विवाहर अधिपति, विवाह सुखर अधिपति, स्वामीर अधिपति बा सप्तम भावर स्वामी दाम्पत्य जीवन विचार करा जीवो। सेइबले चतुर्थ भावर पारिवारिक जीवन विषय विचार करा जीवो। चतुर्थ भावर थिबा ग्रह, चतुर्थ स्थान को देखुथिबा ग्रह, चतुर्थाधिपतिर स्थिति एवं चंद्रमा, चंद्रमा को कथा एथिपई कहली चंद्रमा होउछन्ति पारिवारिक ग्रह, चंद्रमा होउछन्ति मातृकारक ग्रह। कथार अच्छे चंद्रे स्त्री शुक्रे अपीच, चंद्र एवं शुक्र मान स्त्री कारक ग्रह, तेणु विशेषकर चंद्र मातृकारक ग्रह। गोटे भल शाशु मिलवाई चंद्रकर अवस्थित से दरकार, जदि जनकर चंद्रमा वृष राशि उच्च अच्छी ताले एमती देखा दिए जे शाशुटी से बहुत कौन ना बहुपाई बहुत भल, बहुपाई से जथेष बहु को भल पाई थांती, झीओ भली भल पाई थांती एवं अनेक जगह चंद्रमा वृष राशि उच्च थाई, जदि चतुर्थाधिपति मित्र राशि स्वगृह थाए चंद्रमा किंबा चतुर्थाधिपति को जदि बृहस्पति देखु थाए ताले बहु अपेक्षा शाशु अधिका सुंदर थांती, एमिती मध्ये देखाई थाए। अच्छा। गोटे गोटे जगह देखा जाए थाए शाशुं बयस 60-70 किंतु आज पर्यंत तांकर तेज अछि। आज्ञा। आज्ञा। गोटे खानदानी घर लोक भली लागंती, तेणु बहु मध्ये तांका आगे डल पड़ी जाए एवं बेले बेले एमिती थिले जे बहु एवं शाशु भितर फरक मध्ये बारी हुएनी, माँ झीओ भलिया मध्ये एका भली लागंती। रास्ता रे गला बेले हटात अन्य लोक चिंता करंती ये माँ झीओ रो संपर्क बा एते भलो पाइबा तांका भितरे बॉन्डिंग मध्ये रही थाए। किंतु से चंद्रमा जदि राहुयुक्त हो अष्टम थाए, चतुर्थाधिपति नीच तथा दुर्बल थाए, ताले भल शाशु मिलवा, भल पर मिलवा, बहुत पारिवारिक सुख मिलवा ये कष्टकर हो जाए। आज्ञा। आज्ञा।
तेज सर जन कलर आमको अपेक्षा कर प्रथम कथा आज आउ किसी आलोचना करवा निश्चय हेलो मैडम नमस्कार नमस्कार किए कहते कौटू कहते शिक्षा कह अच्छा कहतु शिक्षा कौन जानवे सान पुओं विषय अच्छा पुओं डेट अफ बर्थ 17 जनवरी 2010 अच्छा जन्मस्थान समय समय राति 9:44 स्थान जाजपुर आज्ञा आज्ञा 9 वर्ष होइछि मात्र पुओ को कौन जानिबे पुओर फ्यूचर संपर्क रे ना कौन मैडम सी तो स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड 4 है 95% रखे किंतु एबे तारो काहे कि गोटे मार्क कमी कमी जाउची अच्छा अच्छा पढ़ुची भलो ज्ञान अछि किंतु काहे कि कमी जाउची मु किछि कोन प्रॉब्लम रहिछि छोट पिला बदमाशी कर पढ़ापढ़ी भी करुचे ठीक अच्छे सार जाना कौन रही तार फ्यूचर हेलो नमस्कार पुओर ना कौन कहले अंकित अच्छा धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि 23/10 कन्या लग्न ठीक अच्छे धनिष्ठ नक्षत्र पिला जन्मग्रहण करथिबारु गण होची राक्षस गण एवं जन्म समय बेल को मंगल महादशा रे पिला जन्मग्रहण करिछि मंगल परे वर्तमान राहुंकर दशा जन्म जातक रे चालिछि एवं जातक जदि विचार को नबा जेहेतु पिलार लग्न को चाही आमे जदि देखिबा लग्न रे शनि कर स्थिति रहिछि एवं चतुर्थ स्थान रे बुध राहु पंचम स्थान रे रवि शुक्र चंद्र एकत्र भाव रहिछन्ति विद्या जथेष्ट भलो विद्या पढ़ापढ़ी पिला भल कै एक आप कहे मुझे जातकर से भाई सिमटम देखुची पाठ भल किंतु से बहुत चंचल बा अस्थिर स्वभाव एवं वर्तमान डे बाय डे से अलसुआ मध्य लेजी होता गाधुआ गाधा बोली कहले 10 थर गाधुआ कथा कहले से गाधेब अच्छा खा बोली कहले 4 थर 10 थर डाकिले आसिक खाइब तेणु से बर्तमान पुसींग स्वभाव रही जाइए आप जिते पुश करेंगे जिते ठेलिए सी से कम करते सहित आप विरक्त हे आप राउ राउ हे से कम कर ना कर बर्तमान हाँ यहाँ से हूँ बर्तमान बहुत लेजी तार विशेषकर मोबाइल आउ टीवी प्रति जथेष रुचि रहा चंद्र शुक्र रवि शुक्र एम एकाठी थे टीवी आ मोबाइल प्रति बहुत रुचि रही जाए लग्न जदि राहु रही था राहुंकर महादशा चली थाए इलेक्ट्रोनिक्स द्रव्य प्रति जनकर रुचि बढ़ी जाए जदि से वयोज्येष्ठ व्यक्ति था ताले इलेक्ट्रोनिक जिनस घर किणाकिणी करती छोट पिला टीवी रेडियो बा कौन सी इलेक्ट्रोनिक सामान वीडियो गेम या प्रति रुचि रहे खेलना प्रति रुचि रहे ये तार रिलार नलेज बहुत भल किंतु से चंचल मना है बहुत फ्रिकिल माइंड एवं लेजी गुण कारण अलसुआ गुण कारण अलसुआमी कारण तार पाठ बर्तमान कमी जाऊँगी किंतु भविष्य को भल पढ़ापढ़ी कर एवं बड़ असुविधा हो सदा बेले कहे जो पिलांकर जातक गोटे पिलार जातक 12 वर्ष 15 वर्ष रु जदि 25 वर्ष भितर राहुंकर दशा आसीगला ताल सी ताको डाइवर्ट करेंगे तेल बर्तमान जेहेतु राहुंकर दशा मध्य तार आरंभ हो 2014 मसीहा नवेम्बर पर 15 पर ठारु तेणु सी यही 2-3 वर्ष है टी फ्रिकिल राहु राहु तो ये जना पड़ानी राहु बृहस्पति समय जस्ट 8 मास 9 मास हम से बेसी फ्रिकिल आप राहुं प्रतिकार करूँ गोटे आपणकर श्वेत चंदन वृक्ष ह्वैट सैंडेल प्लांट श्वेत चंदन चारा गच्छ कुंडरे लगाई चंदन सिंदूर धूप दीप धला फूल दे राहु ग्रह नाम पुओर नाम गोत्र प्रत्येक दिन पूजा करंतु एवं प्रत्येक दिन निज मध्यान्न भोजन किसी अंश बा पिलार मध्यान्न भोजन किसी अंश आपण काउ को खाइबा दिंतु काउ नथिले आपण बाहर ताकू रखि आसंतु बुला कुकुर बा अन्य माने के खाइबे किसी अंश खाद्यर किसी अंश बाहर आपण दिंतु एवं प्रत्येक शनिवार दिन शिव दर्शन करंतु पिला को शिव दर्शन करंतु एवं आपण प्रत्येक दिन जदि पारिबे पिलार कपाळ रे टिके चंदन घोरी श्वेत चंदन
चंदन सामान्य टी चंदन कपाल लगातु यहाद्वारा तार एकाग्रता रोक जो अस्थिरता रोचे दूरीभूत हो राहु ग्रह जो दशा चली शांति मिले सामान्य प्रतिकार चंदन टी घ कपाड़े लगा देखिए डे बै डे से शांत हो जदि पारे गोटे ब्लू मून स्टोन शनि और चंद्र शुक्र चंद्र एम स्थित को कंट्रोल करने गोटे ब्लू मून स्टोन बहुत कम पैसा पड़ो ब्लू मून स्टोन आप गलार पिलार लकेट कर नौ दशरथी धारण करने दिंतु डेफिनेटली शुभफल मिल पार बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कॉल करथिबारु तबे दर्शक बंधु कार्यक्रम को आगो को बढ़ेबा पूर्वरु पुणी जणे कलर हमकु अपेक्षा करछन्दि तांको सहित कथा हबा एवं तापरे कार्यक्रम को आगो को बढ़ेबा हेलो हेलो नमस्कार की कहथले अनिता कहथले अनिता कुंडा अच्छा कोन त मैडम कोन जानिबे मो पाठपडा आउ आगर पाठपडा आ बाहागर निजे संपर्क रे अच्छा कौन तो डेट ऑफ बर्थ कौन अठारह दस दो हजार एक जन्म स्थान समय ओड़ा मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन तो नयागढ़ आउ समय राती दुई टा राती पहले कितने तारीख हबो उन्नीस तारीख आपण को ना कौन समिता पंडा हेलो अनिता पंडा आज्ञा तो आपण को 18 वर्ष हैला वर्तमान आज्ञा मैट्रिक परीक्षा सॉरी बणी पढ़ा पढ़ी करू छंदी प्लस थ्री बढ़िले अच्छा तेणु बहुत भाई बहुत चिंता अच्छी निज संपर्क जाना को बहुत इच्छा अच्छी आम सहित भवानी सर अच्छा सारे कथा हेलो हेलो नमस्कार बहुत विषय तुम प्रश्न रही पढ़ापढ़ी किसी चाकरी किसी प्लां कर खाली बहुत प्लां कर प्लां कर एक कहल हाउ ठीक अच्छे मुझे केवल तुम बहुत प्लां कर प्लां ना ठीक अच्छे जतक देखा विशाखा नक्षत्र तुलाराशि 16/7 जन्मलग्न सिंहलग्न सिंहलग्न में जन्मग्रहण कर जतक देखुची मंगल जतक उच्चस्थ अच्छी गोटे भल कथा हूँ तुम बहुत डेयरिंग पिला साहसी पिला दुस्साहसी एवं जदि तुम्हें जिदखर मध्यम जदि जिदी कर पढ़ापढ़ी भल कर निश्चय तुम्हें सफलता पाइपर तुमको टी अधिक प्राक्टिस करने पड़ो कारण बृहस्पति राहु रही बुध टी दुर्बल अच्छी जहाँ पढ़ापढ़ी कर तुम अनेक समय भूली पाठ टे भूली जाऊ प्राय समय हाँ तेणु अधिक परिश्रम करने पड़ो भविष्य को जदि तुम तो प्लस थ्री अलरेडी कल प्लस थ्री कौन कर साइंस ना कौन आर्ट्स आर्ट्स करुच ताले ए जातक प्लस टू साइंस करी जदि नर्सिंग लाइन रे झियो जाई थांदा डेफिनेटली भलो करी पार थांदा तार जातक रे सेवळ जग थिला ते नर्सिंग लाइन रे भलो नर्स टेई बाहर थांदा ए जातक बहुत जग थिला तबे से समय ताको गाइड करा गला नाही एबे जेतु से प्लस थ्री करुची प्लस थ्री परे तार शिक्षा क्षेत्र में कर्मजोग रहुची तेणु जदि प्लस थ्री परे से सीटी करे किंबा बीडी करे ताले ता पई बहुत भलो रहइबो शिक्षा क्षेत्र में जाइपरिबो एवं जातक रे बृहस्पति एवं राहुंकर स्थिति थिबारु विशेष करी जदि देखिबा किछि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल बा आमे कहि परिबा कोनोसी जंत्रपाती संपर्कित ट्रेनिंग अर्थात जो स्किल इंडिया रो जो वर्तमान सब प्रोजेक्ट गुड़ चली जदि से प्लस थ्री कम्प्लीट करापर से किसी ट्रेनिंग इन्यूट्रु किसी ट्रेनिंग निए ताले भविष्य कर्म करपर्कित सुविधा पाइपर बाकी जतक देखा बहुत कथा बहुत आरेज मेरेज ही हम लव मेरेजर प्रश्न ना एवं टिके विलंबर होवाह पखापाखि 25-26 वर्ष मध्य हे तेना 7 वर्ष पाखापाखि तुमको वेट करपढ़ा निज़ जब प्रति ध्यान पड़ो आज्ञा आज्ञा निश्चिंत भाव बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आमको कॉल कर आज आम कथा हो झीटे जितेबाला शाशुघर को जाए और स्वामी सहित तार संबंध बहुत भल थाए से ही समय फैमिली जितेबाला सपोर्ट न करे शाशुघर फैमिली जो से टॉर्चर हुए सपोर्ट न मिले से कौन कौन कर तेज एथपाई कौन पाई ये सब सिचुएशन कहीं अरइज हुए कौ ग्रह ए बेसी मात्रा दायी था से संपर्क में कथा
तबे ऑलरेडी तो सर आपण हमकु कहिले जे सासु ससुर एमाने जेतेबेले सपोर्ट न करंदी कोन कोन प्रॉब्लम हुए एवं काही के सब हुए तबे आउ को ग्रह एथि पई बेसी मात्रा रे दाई थांदी एवं एक कथा कोन विवाह पूर्वरु आमे जानि परिपनी जेतेबेले आमे जातक मेलक करबा निश्चय आज्ञा विवाह पूर्वरु जदि उपयुक्त जातक मेल करा जाय ए संपर्क रे जणा पडिबो तबे आमे विवाह रे प्राधान्य अधिक दउथाव काकु नॉर्मली पिता माता प्राधान्य दे थांती स्वामी को बा पुओ को प्राधान्य दे थांती बा पुओ घर लो कहितले जियोटी भलो मिलिले बहुत भलो फैमिली सहित तांकर विशेष अटैच न थाय किंतु फैमिली को विशेष भाव रे फोकस करिया दरकार कारण गोटे पुओ हो बा गोटे झियो हो से संस्कार कोड पाई थाय परिवार पाई थाय पुओ एवं झियो भलो व्यवहार हेबो भलो बुद्धि संपन्न हेबो से जदि परिवार संस्कार थिबो पिता माताकर कल्चर भलो थिबो पिता माता एजुकेटेड थिबे ताले संतान निश्चय भल होइतिबो बेले बेले हाँ केतेक जगार आमे देखु जे पितामाता यज्ञ दक्ष एजुकेटेड संस्कारी मात्र पिला पाखरे सेमति न थाए कारण बेले बेले पिला माने मध्ये बाहरे रही पढ़ापढ़ी करी सांग साथी मेले रे मध्ये मिसगाइड हि थांती बा पिलांकर प्रवृत्ति बाहर को जीवा परे मेंटालिटी मध्ये बेले बेले बदली जाए किंतु आमे बेसी प्राधान्य दउ कोन ना पुओ बा झीओर जातक केमती मेल कहला किंतु परिवार लोक सहित केते खाप खाइबो ता मध्ये करिबा मेल करिबा निहाते आवश्यक तबे अनेक समय एमिति भी देखा दिएछि अनेक परिवार मु देखिछि अनेक दंपति स्वामी स्त्री मो पाखु आसी कहिछन्ते मन दुख करिछन्ते जे सार आम घरे मो स्वामी को मिसै तीन पुओ दुई झियो बाकी स्वामी को छाड़ी देले बाकी दुई पुओ दुई झियो को सासु ससुर जथेष्ट भल पाउछन्ते किंतु स्वामी प्रति पातर अंतर करुछन्ते आमे बाहर रहुचु जॉब करुचु घर को पैसा पठाउचु पिला माने हमरो भाई भणी को कथा मध्य ये बुझुचंती दियर ननद एमाने कथा बुझुचंती ता सत्य मध्य पिता माता उपरे खुशी नहंती जेते घर पई करिकि मध्य प्रशंसा पाइया परिवर्ते प्रशंसा न मिलु पछे निंदा अपवाद न मिलु किंतु निंदा अपवाद ही आमको मिलुची एभली अनेक क्षेत्र देखा जाए अनेक परिवार मु देखिछि जोटि कि पार्शियलिटी सम्मुखीन होबाक पड़े दुई पुओ तीन पुओ बा दुई पुओ झियो भितरे परिवार पार्सेलिटी करंती पातर अंतर करंती सेतबेले मन विचलित हो जाए सेतबेले मेंटली जणे डिप्रेस हो जाए जोठी निज पिता माता पुओर होंती नाही सेतबेले बहुर हेबे किमिति ये कथा मध्य जातक को जणा पड़े जदि आपणक जातक को आपण देखंते आपणक सहित यदि एभली समस्या घटुची निश्चय आपणक जातक रे कुंभ रे शनि थिबे निश्चय आपण जातक कर्कट शुक्र थिबे निश्चय मिथुन रे रवि थिबे बा धनु रे रवि थिबे एभली जदि कंडीशन जातक रे थाए राहु केतु तृतीय नवम होई थिबे एभली जदि थाए ताले डेफिनेटली देखिबे आपणकर परिवार आपणक जेतिको रेकग्निशन मिलिया कथा जेतिको भल पाया मिलिया कथा पिता माता बड़ भाई भणी को ठारु ताहा मिलिबो नाही जोटि स्वामी कि न मिलिबो सेटि स्त्री कोठी मिलिबो बेले बेले झीओर जातक थिले मध्ये अन्य पुओ झीओ बहुत भलो किंतु ए झीओ विवाह हला परे बापा मा चिंता करंती देली नारी हेली पारी ए झीओ विवाह कर देली मो काम सरी गला तार सुख दुख ता कथा बुझिबा ए कथा मध्ये देखा दिए नाही सेतले झीओटी बहुत व्यतिव्यस्त हो जाए जेतबेले गोटे झीओ बा गोटे बहु ना सासु घर सपोर्ट पाइबो ना बाप घर सपोर्ट पाइबो से करिबो कोन सेतबेले से बहुत चिंतित हो जाए डिप्रेस हो जाए जातक रे एभली जगतिले ए समस्या देखा दिथाय तबे जदि परिवार रे समस्या रहुची सासु ससुरों को सहित मतभेद रहुची मात्र स्वामी भलो ताहले मु कहिबी जणे गृहिणी हिसाब रे गोटे बहु हिसाब रे गोटे झियो हिसाब रे जे स्वामी भलो ताले टिके कॉम्प्रोमाइज करिनबा बहुत भलो कारण बेले बेले मुरबी मानकर वयस बिगड़ी गले से माने मध्ये पिला भले होई जानती बा तांकर वयस सेमती अधिक न होइतिले मध्ये धरंतु 70 75 80 पर बाचाले में देखा दे वृद्ध लोकंकर किंतु जदि सासुंकर 55 58 वयस अछि कि ससुरंकर 60 65 वर्ष अछि से क्षेत्र रे आमे मध्ये टिके चलि नेबा दरकार बा 10-5 वर्ष चलि नेले तांकर सहित आमे मध्ये किछु असुविधा नाही जदि बहुत कष्ट होउथाय ताले आपण गोटे अशोक गछ एथिरे कोनोसी पैसा खर्च करिवार नाही आपण नर्सरु पाई परिबे गोटे अशोक गछ कुंडरे लगाई प्रत्येक दिन पूजा करंतु देखिबे जो परिवार लोकंक सहित आपण विरोध भाव रहउछि ता दूरीभूत हेबो घरे हिंस जंतुंकर फोटो रखंतु नाही रातिरे जेतेबेले आपण घरे रोसेई कर्म सरी जाउछि एवं खीर फुटौछन्ति प्राय घर रातिरे रोसेई सरला परे टे खीरटे फुटैकिरी परिवार लोक पांति सासु ससुर पांति स्वामी पांति भली हुए तो खीर जेतेबेले फुटुछि खीर फुटी सारिया परे से
କ୍ଷୀର ସାମାନ୍ୟ ଟିପରେ ଆଣି ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିପାଏ କ୍ଷୀର ଆଣି ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଆଣି ସେ ଚୁଲିରେ ବା ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଠପା ପକାଇବେ, କ୍ଷୀର ଆପଣ ଢାଳିଦେବେନି, ନହେଲେ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଘର ଏବଂ ଚୁଲି ଲିଭିଯିବ। ମାତ୍ର ଠପାଏ ଆପଣ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଘରେ ଯଦି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଏ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାଲ୍ଟିଏ ଜଳରେ କିଛି ଫିଟିକିରି ଲୁଣ ପକାଇ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବା ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ଦେଖି ଘରେ ପୋଛା ମାରନ୍ତୁ। ଘରେ ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାସକୁ ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଝୁଣା ଲଗାଇବାନି, ଧୂପ ଲଗାଇବାନି, ଦୀପ ଲଗାଇବାନି, ଆମ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ରଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ଇଏ ହୋଇଯିବ, କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ମାସରେ ଥରେ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ଝୁଣା ଏବଂ ଗଗୁଳର ବତି କରି ବା ଆପଣଙ୍କର ଧୂଆଁ କରି ଘର ଚାରିପଟେ ଆପଣ ବୁଲାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଏନର୍ଜି ଅଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଘର କେବେହେଲେ ଅପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ'ଣ, ଈଶାନ୍ୟ କ'ଣ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଛି ମତଭେଦ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ୟା ବଢ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ, ଜାତକକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଉପଶମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସମୟ ସରିଲାଣି, ଏପିସୋଡ଼କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।